हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं फुकेट आई हूँ। एंड लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है कि मैं फुकेट में कहाँ पे रह रही हूँ, रिजॉर्ट का नाम क्या है, किस तरह का रिजॉर्ट है, क्या क्या है यहाँ पे, सब कुछ मैंने शेयर किया है। एंड आई होप यू लाइक दैट वीडियो। सो आज हम लोग ना फुकेट में पतोंग बीच एक्सप्लोर करने वाले हैं। वहाँ पे आज हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि पतोंग बीच किस तरह का है एंड बीच साइड में क्या क्या आपको मिलने वाला है, सब कुछ एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ निशा एंड वेलकम बैक टू निशास पैशन। तो फ्रेंड्स, पतोंग बीच जाने से पहले ना हम लोग लंच कर लेंगे, क्योंकि अभी लंच टाइम हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा आज का लंच, हम लोगों ने ये सब ऑर्डर किया है। सो लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे पतोंग बीच। एक्चुअली यहाँ से पतोंग बीच जाने के लिए ना दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ का शटल लेके जा सकते हैं, मतलब रिजॉर्ट से शटल जाता है पतोंग बीच के लिए, सो आप उसी में जा सकते हैं, क्योंकि ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन इसमें जाने के लिए ना आपको एक टाइम में ही जाना पड़ता है, मतलब अगर 4 o'clock शटल है सो आपको 4 o'clock ही रेडी रहना है। अदरवाइज आप ना कैब बुक करके या फिर टुक टुक लेके जा सकते हैं। सो टुक टुक एंड कैब का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। सो यहाँ पे ना टुक टुक बहुत फेमस है पतोंग बीच के आसपास ना। आप अगर आएंगे थाईलैंड तो आपको पता चल जाएगा कि टुक टुक कितना फेमस है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से, मतलब अबिस द हाइड अवे रिजॉर्ट से, टुक टुक का कॉस्ट पड़ता है 300 थाई बात। सो आप ना यहाँ से आराम से जा सकते हैं, मैं तो शटल लेके जाऊंगी। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग ना, ये जो शाम के टाइम है ना, इस टाइम हम लोग शटल लेके जा रहे हैं। एंड रिटर्न आते समय, यहाँ पे जब हम लोग वापस आएंगे, तब हम लोग ना कैब कर लेंगे या फिर टुक टुक कर लेंगे। सो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, हम लोग अभी आ चुके हैं पतोंग बीच के आसपास। सो ये रहा रोड एंड लेफ्ट साइड में ही पतोंग बीच है। सो अभी मैं आप लोगों को पतोंग बीच में लेके चलती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा द फेमस पतोंग बीच। लोग ना अगर फुकेट आते हैं ना तो पतोंग बीच के आसपास ही रहते हैं। एंड ये है मेन जगह, यहाँ पे ही बांग्ला स्ट्रीट है। सो मैं आप लोगों को बांग्ला स्ट्रीट भी लेके जाऊंगी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा पतोंग बीच को एक्सप्लोर करते हैं। पतोंग बीच के आसपास ना बहुत सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको बैग से लेके, हैट से लेके, जूते, कपड़े, ज्वेलरी, टॉयज, बहुत कुछ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ से शॉपिंग करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बार्गेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ना बहुत बढ़ा चढ़ा के दाम बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ शॉप है जो कि फिक्स प्राइस होता है, वहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपको अदर शॉप में थोड़ा सा बार्गेनिंग करके ही परचेस करना पड़ेगा।
में ना एक चीज़ बहुत ही फेमस है जो कि है मसाज। तो अगर आप फुकेट आके मसाज कराना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये है हत्ता मसाज, यहाँ पे हम लोगों ने मसाज कराया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो इसका रेटिंग एंड रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है। सो आप ना यहाँ पे आके आराम से मसाज करा सकते हैं। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे एंड जाएंगे एक इंडियन रेस्टोरेंट में जो कि पतोंग बीच के पास ही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है तंदूरी फ्लेम्स। तो यहाँ पे ही हम लोग जाएंगे। तो पतोंग बीच से थोड़ा सा पैदल आपको अंदर की तरफ वॉक करके आना होगा। सो ये रहा मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पे ही हम लोग डिनर करेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ कि आज से 5 साल पहले भी जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तब भी हम लोगों ने यहाँ से ही डिनर किया था एंड तब हमें बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए हम लोग ना फिर से यहाँ पे आए हैं। तो अगर आपको इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ना आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड मिल जाएंगे एंड यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ना हर टाइम हिंदी गाना सुनने को मिलेगा आपको। सो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंडिया में हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो आप ना यहाँ पे आराम से आके डिनर एंड लंच एंजॉय कर सकते हैं। तो डिनर करने के बाद अभी हम लोग टुक टुक में चढ़ गए हैं एंड आज हम लोग ना टुक टुक लेके ही वापस जाएंगे रिजॉर्ट में। अगर आप फुकेट आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टुक टुक बहुत ही पॉपुलर होता है। तो कुछ इस तरह का होता है टुक टुक। अभी हम लोग टुक टुक राइड एंजॉय करने वाले हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं ही पेंट करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।